अनबॉक्सिंग वीडियो में स्वागत है दोस्तों। और आज एक अलग तरीके की अनबॉक्सिंग होने जा रही है जो इस चैनल पे मैंने अभी तक नहीं की। ज़्यादातर सारे जो अनबॉक्सिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की होती है, बट ये एक मैनुअल प्रोडक्ट है। और दोस्तों ये ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉर्मली आपको हॉस्पिटल्स में ऑफिस में दिखेगा। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक शू कवर डिस्पेंसर, जो मैनुअल वाला है। ऑटोमेटिक तो नहीं कह सकते, बट हाँ मैं आपको सेटअप करके भी दिखा दूंगा। और आपको अपने ऑफिस में और जहाँ पे ज़्यादातर आपको याद हो कि जब आप कहीं ऑफिस में जाते हैं तो कहते हैं भैया जूता बाहर निकाल लो, गंदा हो जाएगा, कालीन जो आपका कारपेट होता है वो गंदा हो जाएगा, तो उससे बचाता है ये। चलिए देखें क्या है इसके अंदर। चलिए अब इसको खोल लेते हैं दोस्तों। और जो इसमें एकदम आपको ब्रीफकेस जैसा दिखेगा, ये एकदम ब्रीफकेस जैसा ही है, किसी को नहीं पता लगेगा कि क्या है इसके अंदर जब तक आप उसको बताएं नहीं। ये इसको मैं बाहर कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा कोने में रख देता हूँ। ये देखिए एकदम ब्रीफकेस जैसा लग रहा है आपको, ये देखिए एकदम ब्रीफकेस जैसा इसका लुक है। और इसके साथ हमको दोस्तों इसमें एक ये इनकी कंपनी की गाइड मिलती है, जिसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट्स आप इनके खरीद सकते हैं। अच्छी कंपनी है, इसका अच्छा खासा प्रोडक्ट, इनके अलग अलग वेरिएंट हैं इनके पास। तो एक बुकलेट दे रखी है इन्होंने। चलिए दोस्तों दिखाते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअली। ये आप देखिए, ये प्लास्टिक दे रखा है। और ये जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ऑटोमेटिक शू कवर डिस्पेंसर है, तो ये इसका लुक है। और ये जो आपको इसमें दिया हुआ है प्लास्टिक के अंदर, ये पॉलिथीन दे रखी है, ये 10 का सेट है। इसमें आप एक साथ इसके अंदर आप 100 एक साथ इस तरीके के जो आपके प्लास्टिक के कवर हैं आप इसमें लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे सेटअप किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से ये खुल जाएगा, आप इसको खोलेंगे तो देखिए खुल गया। इसको आपको इसमें प्रेस करना पड़ेगा, देखिए प्रेस कर दिया हमने, आप देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा भी कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीज स्प्रिंग बार व्हेन फिनिशिंग इंस्टॉलेशन शू कवर। तो ये लिखा हुआ है, तो स्प्रिंग को हमें यहाँ पे ऐसे इसको उठाना पड़ेगा, देखिए ऐसे करेंगे तो उठ जाएगा। जब आप इंस्टॉल करने जा रहे होंगे तो आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको इसको ऐसे दबाना पड़ेगा। ये जो प्लास्टिक है इसको मैं निकाल लेता हूँ और इसको खोल लेते हैं। तो आपको ये चार हुक्स दिखेंगे दोस्तों, ये आपको चार हुक्स दिख रहे हैं। तो आपको एक हुक को देखिए, आपने इसको लगा दिया, अब इसको आप इसको दूसरे साइड भी इसको लगा लीजिए। इसी तरीके से हम इसको तीसरे साइड लग जाएगा और फिर इसी तरीके से देखिए दोस्तों ये हो गया है, चारों उसमें मैंने लगा दिया है। अब इसको आप प्रेस करके इसको आप उठा देंगे, यहाँ से भी आप प्रेस करेंगे इसको और इसको उठा देंगे और फिर आप इसको बंद कर दीजिए और फिर इसको लॉक लगा दीजिए इसमें। तो ये आपका शू डिस्पेंसर तैयार हो गया है। चलिए मैं यूज़ करके भी दिखा देता हूँ आपको यूज़ कैसे होगा। दोस्तों मैं इसको दिखा देता हूँ आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं पैर रखूँगा इसमें, इसको थोड़ा सा प्रेस करिए और ये देखिए इस तरीके से आपका ये कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरे पैर का भी दिखा देता हूँ कि फिर से आप इसको प्रेस करेंगे और ये देखिए कवर हो जाएगा। तो इसमें शूज़ चप्पल आप किसी तरीके से भी कोई भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपको ऑटोमेटिक शू कवर डिस्पेंसर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को थम्स अप करना मत भूलिएगा। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, मैं इस तरह की वीडियो और भी आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।